नमस्कार माय फैमिली, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता कढ़ाई ब्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं और मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब हो रही हूँ तैयार। आराध्या और शिवाय चले गए हैं स्कूल, जस्ट अभी अभी निकले हैं। मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ उनको। ये देखिए ये जा रहे हैं दोनों। तो बच्चे तो चले गए हैं, तो चलिए अब मैं भी हो लेती हूँ फटाफट प्यार। देखिए अभी नहा के आई हूँ, मतलब क्रीम लगाओ कुछ भी लगाओ पसीना तो इतना आ जाता है नहा के, नहाने के बाद भी इतनी गर्मी हो रही है ना पूछो मत। तो चलिए मैं फटाफट तैयार हो लेती हूँ क्योंकि मेरे टाइम हो रहा है स्कूल का। क्या कह रहा है? किचन सेट मंगवाया था जब मेरा बोर्ड आया था। शिवाय रख इसे, ए तोड़ डस्टर टूटा ना, फिर देखना तुम। सिखा दे दीदी को, ऑर्डर ही सिखाना दे। शिवाय भाग गया। ये देखो इनके काम देखो शिवाय। अब अच्छा तू कैमरे के सामने बता, जो मेरे को अभी बता रहा था ना कितने मार्क्स आए तेरे ऑर्डर इवन में। 6 out of 2 होता, वो 2 out of 6 नहीं होता। 6 में से सिर्फ 2 मार्क्स आए ऑर्डर इवन, इसका मतलब ऑर्डर इवन नहीं आता ना तेरे को। तो दीदी समझा रही है, सिखाने दे उसे। हेलो गाइस, मैं अभी आई हूँ स्कूल से, जस्ट बस कपड़े चेंज किए हैं, मुंह धोया है और आगे यहाँ पे एक गिलास पानी पिया है। तो यहाँ पे इन दोनों की और ये लड़ाई, जैसे ही मैं स्कूल जाई ना इसने मुझे बताया शिवाय ने, अध्या पकड़ से उड़ जाएगा, कि इसके ओड और इवन का आज इंटर रिविजन टेस्ट हुआ था तो इसके मार्क्स सिर्फ 6 में से 2 आए हैं। तो मैं इससे यही कह रही थी कि ये मतलब आराध्या से कि इसको ओड और इवन सिखा दे, मतलब इसको ओड और इवन नहीं आते, तो ये भी यही कह रहा था। तो अब इनकी लड़ाई हो रही है दोनों की, तो वो तो मैं ठीक कर दूँगी इनकी। और सुबह जैसे मैं आपको दिखा रही थी ना, तो स्कूल वाली गली में जैसे मैं पहुँचा ना एकदम से तेज़ बारिश हो गई थी, तो थोड़ी सी गीली भी हो गई थी मैं। और अब भी मौसम ऐसे बादल हो रहा है, बारिश वाला हो रहा है, लेकिन पता नहीं बारिश आएगी नहीं आएगी। लगता तो ऐसा है कि पता नहीं कितनी तेज़ बारिश आ रही है, लेकिन आएगी लेकिन आती नहीं है। गर्मी कम है कल से थोड़ी, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज थोड़ी सी कम है। तो अभी मैं बुलाती हूँ शिवाय को ताकि से ये अपना बैठ लिए सिखाने के लिए। टीचर जी अरे क्या बनना है तेरे को? अब पता ही नहीं क्या बनना है, कुछ तो बनना होगा। खाना खाया तुमने? अभी खाना भी नहीं खाया, ट्यूशन जाना है आज। तो अब मैं लेटी हूँ ना, मुझे सच में ऐसे आंखें बंद हो रही है और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने दिनों बाद लेट रही हूँ, इतनी थकान हो रही है। अब मन कर रहा है थोड़ी देर सो ही जाऊँ। वैसे मैंने सोच रखा था कि अब ना सोना बंद कर दूँ, क्योंकि अब थोड़ा गर्मियों में सोना सही होता है, क्या रात में भी सो दिन में सो, लेकिन अब लेट गई तो एक बार अब ऐसा लग रहा है बस सो ही जाऊँ थोड़ी देर के लिए। क्योंकि सुबह 4 बजे से ना कंटिन्यूसली चलते रहना, सुबह भी भाग भाग के सारा काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद वहाँ स्कूल में भी कंटिन्यूसली खड़े रहना, चीखना चिल्लाना, बच्चों को पढ़ाना, मतलब इतनी शरारत करते हैं बच्चे, इतनी शरारत करते हैं ना, परेशान कर देते हैं। तो चीख चीख के रात तक तो गले में दर्द ही हो जाता है पूरा। तो चलिए अभी मैं ना थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। चल सिखा इसे ऑर्डर इवन सिखाने के, ना कैसे सिखाएगी? अरे ऑर्डर और इवन, गाइस यहां पे आराध्या सिखा रही है ऑर्डर और इवन नंबर क्या-क्या होते हैं, देखिए बताइए।
ये कोई नंबर है? है ये नंबर? और क्या नंबर ही था? स्टार्टिंग में जीरो है, तो ये कोई नंबर है ही नहीं। तो फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा, तभी ये नंबर बनेगा। 36 हो रहा ना? हाँ, ये 36 हो रहा है। जीरो नहीं आएगा, काउंट होएगा। ये जीरो प्लस 36 अब तू बता मेरे को, 2 + 3 जो आंसर होएगा वो क्या आएगा? सर आंसर लिखने में नहीं। अब बता इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑड है और इवन? क्या है? ऑड है, इवन है? अरे डस्ट वैसे मत रख बेड पे, सारा बेड को चिपक जाएगा। ऑड प्लस इवन हुए? नहीं, ये इवन प्लस ऑड हुआ है। तो फिर इवन प्लस ऑड कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। देख, जैसे हमने अब 50 लिया है प्लस 22, ठीक है, 1 + तो ये सीख रहे हैं इतने ऑर्डर। मैं देखती हूँ, चाय बनाती हूँ।